Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. jashankar diplomacy. Dr. jashankar. Shankar, very uh, important uh, Munich security conference mein, Munich. Mein hai. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing <laughs> Now, the uh, Secretary of State lectured lecture on <laughs> सरे देखते लेकिन भारत ने यह बोला है कि साहब हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें फायदा कहां पर अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि भारत को क्या चाहिए बताइए हम भारत के साथ दोस्ती करते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का सीरियसली आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम फेमसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना तो सकेंगे एग्जाम्पल ही देखे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता हमें सो लुक एट दिडेंस एंड लुक एट देश अमेरिका मतलब क्या अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी भारत आज इंडिपेंडेंट है वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है दैट वाज वेरी वॉइस ऑफ डॉक्टर जयशंकर गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस स्मार्ट पार्टनर्स टेक सम ऑफ दोस चॉइसेस डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिख में है और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट uh, आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ दैट आर रिगार्डिंग आर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से और जो मज़े की बात यह थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसिस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ च्इस को अडॉप्ट कर लेते हैं इट मीन्स कि अगर अमरीका हमें चॉइसिस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो देट इज़ गुड सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसिस अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं सो so वन हम बेहसान ना करें लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट डॉक्टर जय शंकर जो है ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में जहां भी जाते हैं जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं जस्ट टू कीप टैलिंग की जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है सो so, अमेरिका भी सारी बात है जहां जाएगा वो ये बातें तो करेगा हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं हम आपको एक हम मौका दे रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप वहां पर क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं और मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और आ, जय शंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जय जय ने ये कहा है जय शंकर ने ये कहा और वो टोनी कह रहे हैं सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी बैठी हुई थी जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी Which I really want to share. And I think Pakistan is out of the game. And how India is is playing the game. Tony Blinken, if you are not at the table, you are on the menu. It means ki so you table to that here so survival of you are not that you are on the you if you have to survive the table survival you are on the So you are on you if you are you you मतलब ये कि अगर आप ने अपने आप को सरवाइव ना किया ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल जो अगर सही बात देखी जाए इस खत्े में अगर हम जो हम हैं मेन्यू में हैं हम किस चीज़ में हम हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं वहाँ से बाजू मार रहे हैं वो धक्का दे रहे हैं वो हमें ये कर रहे हैं हमारा दुश्मन की साजिश हो गई फलां हो गई फलां हो गई सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद दी अमेरिकन दे आर टॉकिंग ऑफ एवरी थिंग एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्त अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू में रखा हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है so, सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज़ कि वो uh, जो और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ द गुड पार्टनर्स जो जो चॉइसिस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं और उन्होंने कहा है कि दिस इज वॉट टोल्ड एंटनी ब्लिंकन एंड दैट वॉज वेरी वाइज़ ऑफ दैट वॉज वेरी वाइज़ ऑफ डॉक्टर जयशंकर उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसज हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ तो आपको मुझे तरीफ़ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है एंड uh, इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी वी डोंट वांट के जी uh, दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो वी डोंट लाइक दिस सो आई थिंक दैट्स हाउ Dr. Jay Shankar is defining international politics, where he's projecting. You know what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment.

तो वो तो भारत की बात करेंगे अगर उनको फायदा अमेरिका से होगा तो अमेरिका से फायदा लेंगे रूस से होगा तो रूस से लेंगे किसी के पल्ले थोड़ा ना बनना है हमने किसी के पल्ले नहीं बनना तो जब हम हथियारों की बात करते हैं दोस्तों जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी ये पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पे उनको ऑनर गार्ड दिया जाएगा पेंटेगन की विजिट कराई जाएगी दस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से मिलेंगे लेकिन एक बहुत अहम बात वो करके आएंगे वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की यही बात एन एस अजीत डोवाल साहब ने भी करी अमेरिकन से यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात करी है अब आर्मी चीफ कहे और आर्मी को दो तीन चीजें चाहिए एक तो एम ट्रिपल सेवन होविडर राइट हमारे पास इस वक्त जो बो फोर्स है mm, शानदार हथियार है इसमें कोई शक नहीं है इस हथियार ने कारगिल को हिरा डाला था इस हथियार ने बिल्कुल जिसको कहते हैं पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का दी थी लेकिन बात यह भी है कि यह यह हथियार जो है तकरीबन साल पुराना पैंतालीस तो में इसको लिफ्ट करके ले जाना हेलीकॉप्टर से बड़ा मुश्किल होता है भारत ने लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और साथ में ली कुछ एम ट्रिपल सेवन कैन या होविडर्स कहें उनको वो लाइट है उसमें नई मेटलर्जी है आप उनको चिनूक से आराम से लिफ्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं और खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बड़ी कारगर है उसके बाद स्ट्राइकर की बातें हो रही हैं कि स्ट्राइकर आएगा इंडियन आर्मी में तो ये सब बातें हो रही हैं किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे कौन कौन से वेपन सिस्टम्स लेकर आएंगे इसके लिए आर्मी चीफ गए हैं वहां पे कुछ दिनों में हमें यह पता लगेगा दोस्तों कि और कौन सी टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका से मिल रही है